फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मेगा लवली टेल से आपके सामने फिर से एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ। आज है हमारा डे 3 ऑफ स्विट्जरलैंड ट्रिप और हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो आज जा रहे हैं राइन फॉल्स, और राइन फॉल्स की बुकिंग हमने करके रखी है कि वहाँ पर हमें जो जो चीज़ें करनी है उसकी बुकिंग हमने ऑनलाइन की है। तो लेकिन पहले आप एंजॉय करो मेरे साथ इस ट्रिप को। हम जा रहे हैं अभी बस स्टॉप के इधर, वहाँ से ट्रैम लेके मेन स्टेशन। ओके, वैसे जाना है आज। तो आज थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि बस लेके हम जा रहे हैं सीबाग प्लाट्स, और फिर वहाँ से हम जाएंगे मेन स्टेशन, उसके बाद जाएंगे राइन फॉल्स। गाइस ये देखिए साइकिल रिक्शा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। ओके, मतलब पैडल से मोटर चलती है, मोटर और फिर उसके वजह से गाड़ी चलती है। So this is the tram. Guys, Coop City और एक नया खुला है, एंड Coop City में शॉपिंग बहुत अच्छी होती है। डेफिनेटली हम प्लान करेंगे इस Coop City को विजिट करने के लिए, शॉपिंग के लिए। गाइस हम जा रहे हैं राइन फॉल। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम निकले राइन फॉल के लिए, तो हमने ज्यूरिख से मेन स्टेशन से ट्रेन ली थी इंटरसिटी, जो हमें शाफ हाउस लेकर आई, और शाफ हाउस से हमने अभी यहाँ की लोकल ट्रेन पकड़ी है जो हमें लेकर जाएगी राइन फॉल। तो बस ये मुझे अराउंड 3 या 4 मिनट की ट्रेन है, तो हम पहुँचेंगे राइन फॉल और फिर मैं आपको बताऊँगी कि राइन फॉल। All my lessons, all my lessons, parece saber cuando volver a mí. All my blessings, all my blessings. गाइज मैं पहुंची हूँ अभी राइन फॉल, और यहाँ पर आप देख सकते हो इतना अच्छा प्यारा राइन फॉल है। तो ये हमारी बोट है जो है 30 मिनट्स की, और यहाँ पर आपको 15 मिनट्स की भी एक राइड मिलती है, और ऑडियो गाइड वाली भी राइड होती है जो 30 मिनट्स की होती है, उसमें सब आपको एक्सप्लेनेशन दी जाती है। लेकिन हमको ये टिकट मिली थी 30 मिनट की, तो वो हमने ऑनलाइन मुंबई से ही बुक करके आए हैं। तो बस आपको टाइम संभालना होता है। हम थोड़े से लेट हो गए बिकॉज वी गॉट लेट बाय ट्रेन के वजह से हम लेट हो गए। सो 30 मिनट्स हम लेट है, लेकिन वहाँ आपके टिकट काउंटर पे जाके अगर रिक्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली वो कंसिडर करते हैं, बिकॉज वी आर टूरिस्ट, उनको भी मालूम है कि रास्ता भूल भी सकते हैं या ट्रेन का भी इश्यू हो सकता है। तो ट्रेन काफ़ी लेट चल रही थी, उसके वजह से हमारा 1:30 वाला जो टाइम था वो मिस हो गया। तो अभी ये जो हमें नेक्स्ट मिल रही है वो है 2:20 वाली, लेकिन यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है, मतलब जो फॉल है वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो इस व्यू को आप एंजॉय करो। सो गाइज अब हमने हमारी बोट मिल रही है जो 2:20 को हमें मिली है। एक्चुअली 1:30 का हमारा राइड था जैसे मैंने आपको बताया, तो बिकॉज ऑफ ट्रेन हमको लेट हो गया, तो बस अब हम राइड में बैठ गए हैं। तो यहाँ पे व्यू तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ के रेट्स अराउंड इधर फोर टाइप्स के अलग अलग राइड्स है। वन सबसे छोटा है जो 6 francs पर पर्सन है, जो 5 मिनट का बोट राइड होगा वन वे, यहाँ से जाएगा नेक्स्ट स्टॉप पे छोड़ देगा वो। सेकेंड रहता है स्मॉल राउंड ट्रिप, जो अराउंड 8 francs पर पर्सन है, वो 15 मिनट्स का राइड रहता है, टू वे राउंड ट्रिप रहेगा। एंड द थर्ड वन इज दिस वन विच इज 11 francs पर पर्सन, दिस इज 30 मिनट राउंड ट्रिप। एंड द हाइएस्ट वन इज 20 francs पर पर्सन, इट्स 30 मिनट राउंड ट्रिप विथ ऑडियो गाइड। 11 francs वाली हमने लिए, 1000 rupees पर पर्सन। 1000 पर पर्सन हमको पड़ा। सो बस अब आए हमारा ये राइड स्टार्ट होगा, तो आप भी हमारे साथ इस राइड को एंजॉय करें। I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. My name is Alexander. I have the pleasure to sail you for the next 30 minutes. We sail down the river now for about 2 kilometers, and then we come back, of course, make a nice big round in front of the Rheinfall so that you have the possibility to take pictures and make films if you like. We will come from 3
different direction, as I said. Maybe you have seen the white foam on top of the water here. This foam is no shampoo, no poison. This foam is coming from an underwater plant, and this plant is mixed by the rainfall like in a washing machine. So this foam is coming on top of the water, and it's completely natural, not dangerous. And if you swim through, you cannot smell it. I did it last year. As you can see, it's also good to survive. This part is wonderful for swimming because we have almost no current and it's not dangerous for swimming here. A lot of people come here to the pool downwards, you will see it later, and then sometimes they use the little footpath here on the left side, come up here, jump into the water somewhere, and then they swim back to the pool. We have actually more than 22 degrees water temperature, so it's nice for swimming at the moment. But please don't jump out of the boat. Hier auf der linken Seite sehen Sie jetzt da diesen Betonklotz auftauchen. Das ist ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Der wird heute militärisch nicht mehr genutzt. Aber die Leute vom Schwimmbad weiter unten, da wo die lange Mauer ist, die kommen manchmal hier hoch, steigen auf diesen Bunker rauf und springen runter. Er ist ungefähr 6 Meter hoch. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen, weil die Wassertiefe beträgt nur etwa 2,5 Meter. As I have promised you, we turn back here and go back to the rainfall. बहुत ही मस्त है और पानी है। अपने ऊपर गिरता है और जब रेनफॉल के नजदीक जाते हैं तो फुल बारिश हुआ ऐसे लगता है। सीरियसली इट्स अ ब्यूटीफुल अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये देखिए कैसा है रेनफॉल। आप लोग 30 मिनट्स का राइड ही लेना, कि बहुत सारे डिटेल्स जानने मिलते हैं। हम स्विट्जरलैंड का बॉर्डर भी पास किया और जर्मनी पहुंच गए थे। सो इन 30 मिनट्स बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती है, इवन स्विमर्स मिले, तो काफ़ी चीज़ें थी वहाँ पर। एंजॉयड साहिल, यू एंजॉयड वेरी मच। तो बहुत बहुत ही एंजॉय किया, सुपर। ये फॉल देखिए आप गाइस, पैसा वसूल राइड है, पैसा वसूल राइड लिटरली। ओनली 1000 रुपीस में आपको ऐसे लग रहा है, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग सीरियसली। डेफिनेटली डेफिनेटली आप इसे विजिट करिए, रेन फॉल को बिल्कुल विजिट करिए, बहुत ही मज़ा आती है, बहुत ही मज़ा आती है। पूरी तरह से मेरे जो स्पेक्स है ना, ये पानी से भर गए हैं, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेंस भी पूरा पानी से भर गया है, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और ये जो फॉर्म है ना नीचे, ये नेचुरल फॉर्म है रेनफॉल का, इट्स नेचुरल। ये प्लांट्स प्लांट्स की वजह से ये फॉर्म आता है। लग रहा है कि अंदर साबुन डाला है, बहुत सारा सोप है। स्टाइल दिखाओ ना, देखिए व्यूअर्स कैसे सोप डाला हुआ लग रहा है, पूरा फॉर्म है उसके ऊपर। Thank you very much for being our guest. It was a pleasure for me. I hope for you as well. गाइज यहाँ पर आपको रेनफॉल से जैसे आप ऊपर की तरफ आते हो तो आपको
ईटेबल्स भी मिलते हैं, खाने की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, बियर वगैरह भी मिलता है, और उसके साथ साथ आपको स्नैक्स में चिकन नूडल्स है, स्पाइसी नूडल्स है। मैक्सिमम चीज़ें हमें नॉन वेज लग रही है, लेकिन इट्स ओके, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको काफ़ी एक्सप्लोर करने और खाने मिलेगा यहाँ पे। क्रोसेंट्स है, पेस्ट्रीज है, सैलड्स है, तो केक के काफ़ी आइटम्स है, मतलब बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा है, प्लस उसके साथ ड्रिंक्स है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हो। राइनफॉल का सोविनियर शॉप भी मिलेगा जो 1895 से है, तो स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड, राइनफॉल से रिलेटेड आप काफ़ी सोविनियर्स भी यहाँ पर से लेकर जा सकते हो। वैरायटी ऑफ टॉवेल्स विद अलग अलग नाम के, देखिए एक एक इंडियन नेम भी है अनीता, सो काफ़ी नाम के है यहाँ पर, सारा जाना, तो अगर आपको इसमें कोई अपना नाम दिख जाए तो ऐसा टॉवेल भी आप ले सकते हो अपने लिए, अगर नहीं तो मिस्टर हाँ वो भी ले सकते हैं, मिस्टर और मिसेस। जोविसा ब्रांड के देखिए यहाँ पर वॉचेस है, बहुत ही प्यारी प्यारी वॉचेस है, 129 मुझे रेट्स ज़्यादातर दिख रहे हैं, 129 या 199, तो अराउंड 120 से आपको 250 के बीच में ये वॉचेस देखने मिलेगी, लेकिन बहुत ही अच्छी है, मतलब मैं फ्रैंक्स में बात कर रही हूँ, तो वो रेट में आपको ये वॉच मिलेगी। और ये सारे सोविनियर्स हैं, आपको फ्रिज के मैग्नेट्स आप लेके जा सकते हो। Of all my lessons, siempre parece saber cuándo volver a mí. Of all my blessings, तो यहाँ पे अभी हम राइनफॉल के नजदीक में आए हैं, यहाँ पे स्केल है जो मेजर करता है कि रिवर का लेवल क्या है। ये सामने राइन नदी का व्यू है पूरा, हमने जो बोट राइड ली थी वो वहां से ली थी। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के बर्ड, सीगल्स है, स्पैरोज है, ये भी देखने मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुराने जमाने का एक व्हील टर्बाइन है, ये वहाँ इस पानी के फ्लो के प्रेशर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था, इलेक्ट्रिसिटी या और कोई पर्पज़ इसके लिए। तो अभी हम राइनफॉल के करीब करीब टॉप तक आ चुके हैं, यहाँ से ये फॉल नीचे की तरफ जाता है, नीचे वहाँ रिवर में, ये यूरोप का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। सो गाइस, हम टॉप पे पहुंच चुके हैं राइनफॉल के, यहाँ से ये पूरा वाटरफॉल नीचे की तरफ जाता है। अगर आप 20 फ्रैंक्स की बोट राइड लेते हो तो आपको उस रॉक पे भी जाने को मिलेगा, हमने तो वो नहीं ली थी, हमने 11 फ्रैंक्स वाली टिकट ली थी, पर अगर आपको वहाँ जाना है तो आप वो वाली बोट राइड भी ले सकते हो, येलो कलर की बोट रहती है जो वहाँ तक आपको ले जाती है। दिख रहा है वो यानी एक श्लॉस यानी कि कैसल है, उसकी भी आप टिकट लेके अंदर जाके विजिट कर सकते हो, उसके लिए आपको रेड कलर की बोट राइड जो है 5 मिनट्स वाली वो लेके वो आपको नीचे के स्टॉप तक ड्रॉप करेगी, और वहाँ से आप क्लाइंब करके, देखिए वो लोग जा रहे हैं, उस तरह से क्लाइंब करके ऊपर वो कैसल को विजिट कर सकते हो,
कैसल के बुकिंग की वेबसाइट और उसके चार्जेस हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको। यहाँ पे ये बोर्ड है, यहाँ पे आपको सारे फॉल्स की सारी डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि विड्थ ऑफ द फॉल्स 150 मीटर्स है, हाइट ऑफ द फॉल्स है, डेप्थ ऑफ पूल है, कितना पुराना ये फॉल है, अराउंड 14,000 टू 17,000 ईयर्स पुराना ये वाटरफॉल है। और समर में इसका फ्लो हाईएस्ट रहता है, विंटर में लोएस्ट रहता है, ये सब डिटेल आपको इस बोर्ड पे से मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए भी अच्छी खासी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे ये म्यूलेराड बिस्ट्रो है और मूवेनपिक जो वर्ल्ड वाइड फेमस आइसक्रीम ब्रांड है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मूवेनपिक के दो ब्रांचेज है, एक नीचे बोट टर्मिनल पे भी है और यहाँ पे भी एक है। हो गया हमारा राइनफॉल घूम के, अब जा रहे हैं हम ज़ूरिक मेन स्टेशन, वहाँ से जाएंगे होटल और रेस्ट करेंगे। हमने लिए राइनफॉल से ट्रेन जो हमें पहुँचाएगी ज़ूरिक स्टेशन। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।